उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का दिन बहुत स्पेशल है, आज बहुत मज़ेदार व्लॉग आपको इंशाल्लाह लगेगा। ये बहुत अच्छा, सीरियसली हम लोगों ने बहुत मज़ा करना है आज, क्योंकि आज एक सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी है। किसकी है वो आपको वीडियो देख के पता चलेगा, तो आप वीडियो ज़रूर देखिएगा एंड तक। तो और आप बताइएगा फिर आपको व्लॉग कैसा लगा। तो अभी मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, आज बहुत सारा काम है, तो अभी हम चलते हैं किचन में। मम्मा अपने खाने की तैयारी कर रही हैं, तो वहाँ चल के मिलते हैं। उससे पहले, किचन में जाने से पहले हम चलते हैं ऊपर जो डेकोरेशन हो रही है, फिर आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं भाई ये डेकोरेट कर रहे थे। असल में इस क्लिप में जो ना आगे की दो तीन क्लिप्स में वॉइस इशू हो गया था थोड़ा सा, तो इस वजह से अब वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो ये भाई लगा रहे थे ऊपर ये वाला उमेर का रूम डेकोरेट कर रहे थे हम, क्योंकि अगर नीचे करते तो जिनके बर्थडे उनको पता चल जाता ये उमर ये बना रहा था छोटे छोटे रिंग्स करके, तो इस वजह से उमेर के कमरे में ऊपर करना पड़ा। और फिर दूसरा ये क्या करूँ, उमेर का रूम अगर डेकोरेट भी रहे तो कोई इशू नहीं होता, क्योंकि उमेर सिर्फ खेलने के लिए आते हैं यहाँ पे। तो ये भाई पर लगा रहे थे तो मैंने वीडियो बना ली, सो क्योंकि वैसे तो इतना शर्माता आते ही नहीं है वीडियो में सामने। तो ये देखें, ये मैं बोल रही थी इनको कि कम से कम हाय तो कर दें, सलाम ही कर लें। तो अब देखें कितनी शर्मा के इन्होंने सलाम किया है। ये उमेर की बाकी सारी चीज़ें लगी हुई हैं यहाँ पे, सब बैठे हुए कर रहे थे यहाँ पे, सारा फैला हुआ था, कचरा भी हो रहा था और उसमें ये चीज़ें पड़ी हुई थी, सब कुछ इसी में हो रहा था। तो और बहुत मतलब हम लोग उमेर, अच्छा ये इसकी सबसे बड़ी बात ये है कि उमेर को नहीं पता था कि आज किसी की बर्थडे है, क्योंकि उमेर की आदत है शुरू से जब भी उन्हें पता चल जाए ना, ज़रा सी भी भनक पड़ जाए। उमेर से हमने छुपाई भी थी कि किसके उस बर्थडे प्लान कर रहे हैं या कुछ सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं, तो वो सबसे पहले जाके उसी को बताते हैं जिसकी बर्थडे होती है, और सारे किए कराए पे पानी फिर जाता है। तो इस वजह से उमेर को भी नहीं बताया हुआ था और उमेर सो रहे थे जब ये सारा काम हो रहा था। ये सब कुछ कर रहे थे, कचरा भी इसी में हो रहा था सब कुछ, मतलब जाहिर सी बात है जब आप कर रहे होते हैं तो उसकी वो भी तो होती है। तो ये उमेर के कमरे में सारी तैयारी हो रही थी और उमेर को ही नहीं पता था कि उनके रूम में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये सारे हमने ये थोड़ा बहुत लगा लिए थे, रिबन्स वगैरह ये बलून वगैरह लगा लिए थे, बाकी तो वैसे ही उमेर की चीज़ों से इतना भरा हुआ था कमरा, जो जगह थोड़ी तो बची थी उसमें हमने सारी सेटिंग कर ली थी। हमें बहुत मज़ा आया था करते हुए, क्योंकि ये और ये जो थोड़ा बहुत बच्चा कुचा था सारा इन्होंने टेबल के नीचे भर दिया था, और ये पता नहीं इन लोगों ने क्या करा था चेयर के साथ और टेबल के साथ। और ये बाकी नाइफ वगैरह डेकोरेट कर दी थी। अब ना असल में हो रहा था कि आप पहले तो ये बताएं किसकी बर्थडे कमेंट में जल्दी जल्दी करके, और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। ये जाहिर सी बात है अभी कुछ दिनों से वो भी हो रहा था, मतलब यहाँ पे ये फातिमा बलून लगा रही थी, तो मैं बोल रही थी कि छोटा मोटा घर में सरप्राइज़ दिया था हमने थोड़ा बहुत, ज़्यादा कुछ नहीं करा था, तो ज़्यादा उस पर गौर ना कीजिएगा, बुरे कमेंट्स ना कीजिएगा। बार बार बोलती हूँ अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा, ताकि अगले को जो बना रहा होता है वीडियो उसको सपोर्ट मिले, ना कि वो डिसहार्ट हो जाए आपकी वजह से कि आप इतने गलत उसके वो निकाल रहे हैं, खामियाँ निकाल रहे हैं, कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो जो आपको कोई दिखा रहा होता है उसमें इंजॉय करें, और जैसे वो इंजॉय करके आपको बता रहे होते हैं अपना उसी तरह से। खैर ये फ़ाइनल लुक थी जो हमने डेकोरेट किया था, बाकी इसके बाद ये सारी सफाई वफाई शुरू हो गई थी, नीचे से सारा फातिमा समेट रही थी क्योंकि बहुत कचरा हो गया था, टेप वेप जो भी होते हैं, तो ये सारा एक जगह हम कोने पर कर रहे थे। फिर उसके बाद सफाई हुई सारी, फिर हम नीचे आएंगे, नीचे आके खाने वाने का करना था हमें। तो अब सब कुछ समेट चुका था और टेबल भी जो यहाँ पे बीच में रखी हुई थी वो साइड पे रख दी थी फ़िलहाल हमने, के बाद में वो आ जाएगी। अभी तो समेटना था ना, साइड से बातें झाड़ू वगैरह सफाई वगैरह करनी थी, कचरा हो गया था पूरे उसमें। तो अब हम चलते हैं नीचे, ठीक है फिर मिलते हैं आपसे। तो फातिमा, अच्छा हाँ फातिमा ये खा रही थी, मैं ये बोल रही थी स्पैगेटी,
और पापा की बर्थडे की तैयारी हो रही है, खाना बन रहा है। मम्मा क्या बना रही हैं आप? ये मैं स्पैगेटी तोड़ तोड़ के डाल रही थी इसमें। मैं अपने और स्पेशल बर्थडे के लिए, बर्थडे के स्पेशल हस्बैंड, तो लाओ मुझे दो, ये डालो बाकी, और इसको मिक्स करो। एक मिनट में यहाँ पे मम्मा प्याज फ्राई कर रही हैं, और दूसरी तरफ देखते हैं मम्मा क्या। मम्मा ये मसाले की तैयारी कर रही हैं। मम्मा क्या बना रही हैं बताएं जल्दी से। मैं बना रही हूँ स्पेशल बाद में स्पेगेटी चला लेना। बिरयानी, और ये मेरी अपनी रेसिपी है, किसी की भी नहीं है। मैं हमेशा ना बिरयानी जब बनाती हूँ ना, तो मैं सारा मसाला मिक्स करके, चिकन, आलू और जो मसाले होते हैं ये सब मिक्स करके जो है रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए, आधा घंटा, जितनी मिर्चा और लग चीज़ों जाएंगी की तैयारी होती है। बाद में को दे देती ना। तो वो क्या नाम है लगती? असल में मम्मा को एलर्जी है हरी मिर्चों से, पहले भी किसी व्लॉग में बताया था शायद मैंने, तो मम्मा के हाथ में, मम्मा के हाथ जो है रेड होने लग गए, तो मैं बोल रही थी मम्मा को कि फातिमा को दे देती हूँ, फातिमा काट तो देती मैं हूँ। खैर है, अब इनके लिए तो एलर्जिक भी सही। पूरे इतनी तैयारी चल रही है खाने की, यहाँ टमाटर कटे रखे हैं, यहाँ पे ये गाजर और ये शिमला मिर्च रखी है, वहां पे लहसुन रखा है, प्याज यार, ये प्याज ये और हरी मिर्च ये है, ये टमाटर टमाटर और और ये दो हरी मिर्च ये भी मैं काटने जा रही हूँ, और ये पुदीना हरा धनिया मसाला खत्म हो गया था मंगाया है वो हटिया रखी, ये पुदीना हरा धनिया और ये अंडे, मतलब पूरा किसलिए फैला हुआ चीजों से। चिकन, ये चिकन भी रखी हुई है हमारी बोल में। ये मैं स्पेगेटी भी बना रही हूँ ना साथ में, स्पेशल स्पेगेटी। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं अभी, थोड़ा मैं सब भी हुआ है। मम्मा यहाँ नाम तो बता दें बिरयानी का। स्पेशल बिरयानी नहीं, मेरी अपनी रेसिपी है, मैं इसका क्या नाम मम्मा ने इसका बताऊँ नाम रख दिया स्पेशल बिरयानी। तो ये पूरा गंदा हो रहा है, थोड़ा स्लेप विलेप, क्योंकि सारी चीज़ें काटन पीटी हो रही है उनकी। अब ये देखो रख दिया था ना, मैं इसमें डाल, अब ये मम्मा डाल रही है, मैं दिखाती हूँ। मम्मा ने ये सारा इसमें डाल दिया, टमाटर इसमें मम्मा ने, मम्मा क्या आलू, टमाटर, हरी मिर्च, मतलब जो सारा मसाला होता है बिरयानी का, वो आपने इसमें मिक्स कर दिया ना। हाँ, मिक्स करके वो नींबू, दही, लेमन, योगर्ट, पोटैटो, टोमेटो, चिकन, सब कुछ मिक्स कर दिया, और मसाले जो मैंने डाले इसमें बिरयानी के लिए ना, तो ये सब डाल के मैं मिक्स करके रख देती हूँ। आप लोग भी कभी बनाइएगा, और अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो वो बता देगा। मैं फिर मम्मा कमेंट कीजिएगा मम्मा के ब्लॉग पे, मम्मा के ब्लॉग पे, और फिर मम्मा आपको रेसिपी देंगे। तो ये अब मैं इसको जो है ना पहले भूनूंगी अच्छी तरह से, उसके बाद मैं खुश इसको जो है ना दम पे रखूंगी। यहाँ पे ये स्पैगेटी भी हो रही, दिखाती हूँ। इस दफ़ा ने स्पेगेटी तोड़ तोड़ के डाली हमने छोटी छोटी करके, वो हमारे मियाँ नहीं खाते ना, तो तुमने पापा स्पेगेटी खाते नहीं है, लेकिन इत्तेफाक से एक दिन उन्हें स्पेगेटी ना बहुत अच्छी लग गई थी, तो इस वजह से मम्मा ने सोचा आज मैं वही वाली स्पेगेटी बनाऊंगी दोबारा। नहीं, वो थोड़ी बना रही हूँ, दूसरी बना रही हूँ। फिर दूसरी बना रही हैं? अच्छा, खैर मम्मा ने सोचा थोड़ा चेंज करके बना लिया। लेकिन वो तोड़ के क्यों बना रही हूँ, मेरे को आसानी रहती है खाने में, वरना वो बोलते बहुत बड़ी बड़ी है ना उसको। तो वो समझ गए, आप लोग समझ गए होंगे, मम्मा ने बता दिया। अच्छा मम्मा, हमने टमाटर पूरे क्यों नहीं डाले, ऊपर से तह लगाने के लिए। अच्छा, तो ये हो रहा है, यहाँ पे स्पेगेटी हो रही है, और यहाँ पे इधर ये बिरयानी का हो रहा है मसाला। फिर अब हम जब कुछ और करेंगे ना, फिर आपको दिखाते हैं, अभी तो मम्मा ये भून रही है ना। ये भून लूंगी ना, मतलब पानी खुश कर रही है इसका भी, इसमें दही भी है, फिर चिकन का पानी भी है, फिर टमाटर इसी में गल जाएगी, मेरी पानी डालने की ना जरूरत नहीं होगी, चिकन और आलू आलू ना इसी भी में तो गल जाएंगे, तो आलू दही की वजह से वो हो जाते हैं ना। नहीं नहीं होते, किसने बोला था होते हैं, नहीं होते, नहीं होते हमारे तो, नहीं होते, मैं तो हमेशा ऐसे ही डालती हूँ, नहीं होते। अच्छा चले, जब तक चिकन गलेगी आलू भी गल जाएंगे, और हाँ, बाकी जो हल्की तो फुल्की, हाँ हल्की फुल्की कसर होती है तो वो दम में निकल जाते हैं, आलू कहाँ से फिर। राइट, आई एग्री विद यू। तो फिर हम मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हाँ, इसमें ही डालनी है चिकन, फिर आराम से
जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं पदीना को काटना था ना, पदीना को हाँ पदीना काट दो एक वो क्या बना पुदनिया, और ये पदीना बोलता है पुदनिया, पदीना नए नए नाम निकलने पुदीने के, कोई पुदनिया बोलता है कोई पदीना बोलता है, देखा नाम नहीं भूल गई। ये देखें मम्मा ने बिल्कुल अच्छी तरह चिकन को फ्राई कर दिया, गोरी गोरी हो गई बिल्कुल। इसमें जो है ना हम लहसुन डाल देंगे, खाली गार्लिक पेस्ट, फ्रेश है नहीं है फ्रेश, हाँ ना बस पता तो है ही नहीं ना कुछ कि पेस्ट नहीं डल रहा इसमें, तुम बोलने वाली थी ना इसलिए मैंने पहले बोल दिया। अभी ये इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ये मिक्स हो गया। आपके पतीलों में से आवाज़ें बहुत आती हैं, जाहिर सी बात है किस कौन जब खाना बनाता तो आवाज़ नहीं आती, बता दें मुझे कोई ऐसा कोई दुनिया में ऐसा। हमारे पास याले भी हैं चम्मच, ये देखें असल में जब काम कर रहे हो ना तो फिर एक हाथ में एक चम्मच, तभी मेरे तीनों चूल्हों पे कुछ ना कुछ चढ़ा हुआ है तो वो इसलिए मेरे हाथ में बड़ा है वो चम्मच था, जैसे कि अभी एक साइड बिरयानी का मसाला चढ़ा हुआ है और एक साइड ये हो रहा है, दिखाऊं बिरयानी का मसाला देखो अभी कितना पानी है, एक मिनट दिखा फिटाना बिरयानी का मसाला, अच्छी खुशबू आ रही है ये, इसमें भी देखो पानी है ना जी, ये हल्के हमने डाला नहीं था ना, नहीं वही टमाटर और दही का पानी है, चिकन का भी तो होता है ना, हाँ तो चिकन का तो भून लिया था ना और टमाटर और दही का पानी है अभी, सही है समझ नहीं फातिमा, अब ये बंद कर दो ताकि मैं दम पे रखूँ उसे। अच्छा मेरी एक केक आ गया है यहाँ पर पापा का, और अभी हम ऊपर इसको लेके जाएंगे जो हमने रूम डेकोरेट किया है वहाँ पे, ये रायता और ये स्पैगेटी फाइनल लुक इतने मज़े की लग रही है, इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है कि बस ये प्लेट्स, और ये मॉम ने सैलड बनाया है इतने मज़े का सैलड है, ये इतने मज़े का सैलड है कि वैसे मैं रशियन सैलड मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, मैं बिल्कुल भी नहीं खाती, लेकिन ये बाकी बहुत मज़े का, तो मैंने मम्मा मम्मा आपने पहले क्यों नहीं बनाया, तो खैर ये जब खाना लगा और बिरयानी एंड में ही आएगी जहर सी बात है जब केक कट जाएगा, तो अभी हम चलते हैं ऊपर केक को लेके, ठीक है फिर आपसे मिलते हैं। कैंडल चला दी है और ये हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू, आओ इधर मुन्ने खूब मार, भाई बदतमीजी नहीं करें पप्पा के ऊपर पूरा पार्टी पॉपर, आओ हमने खाली वन कर लिया मैंने पूरी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पप्पा, हैप्पी बर्थडे टू यू। मम्मा भाई को देखे तंग कर रहे हैं नहीं ये लो। और भाई आपको कैसा लगा सरप्राइज? बहुत अच्छा लगा। आपको याद था? खा लिया मैंने भी तुम्हारे मुंह के साथ से नहीं।
छोटी मोटी सी बच्चों ने डेकोरेशन की थी रूम की। चले अब खाने पे चलते हैं नीचे। अब खाने पे आज मैं अब नीचे चलते हैं, नीचे चल के फिर खाने पर मिलते हैं। सकते हैं मम्मा बिरयानी निकाली है, ओहो इतनी मज़ेदार बिरयानी। अब ये पानी आ रहा है मुँह में खुशबू से इसकी। खाने के बाद ना फिर आपसे मिलेंगे, ठीक है? और फिर बताइएगा कैसा लगा आपको ये व्लॉग सरप्राइज बर्थडे पार्टी। तो फिर हम मिलते हैं बाद में। तो ये आप देख सकते हैं सारा खाना रेडी था, रायता बिरयानी स्पैगेटी और सैलड जो था सब कुछ रेडी था। बहुत मज़े का था सब कुछ। पापा भी बैठे हुए थे यहाँ पे। तो ये व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा लाइक कमेंट शेयर करके और सब्सक्राइब किया चैनल को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।